नमस्कार दोस्तों, और बहुत दिनों के बाद 15,000 रुपए के नीचे फोन्स का कंपैरिजन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एंड दो बहुत ही ज्यादा बढ़िया फोन्स हैं। एक थोड़ा सा पुराना है Redmi Note 10, जिसने 15,000 रुपए के नीचे अपना जो दबदबा है वो बना के रखा है बहुत सारे महीनों से। एंड उसके साथ दोस्तों हम कंपेयर कर रहे हैं Moto का G31, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड वो दे रहा है टक्कर Redmi Note 10 को। लेकिन क्या ये टक्कर सही है? मतलब क्या ये टक्कर दे पाएगा? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैंडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहले ना प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो 1,000 रुपए सस्ता है आपका Motorola G31 अगर आप Redmi Note 10 से कंपेयर कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे डिफरेंसेस। तो सबसे पहले भाई डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। अब डिजाइन में दोनों ही फोन्स में आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, लेकिन Moto G31 का जो प्लास्टिक बैक है उसमें आपको टेक्सचर्ड फिनिश मिलता है, एंड Redmi Note 10 में आपको क्या है कि थोड़ा सा स्मूथ ग्लास लाइक फिनिश मिल जाएगा। एंड जो कैमरा मॉड्यूल है वहां पे आपको Redmi Note 10 में मुझे लगता है कि जो फिनिश है और जो प्रीमियम थोड़ी सी फीलिंग है वो बेटर आपको देखने को मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड Motorola ने इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता था कि उनके फोन बहुत भारी होते हैं, इस बार नहीं है। 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ फोन सिर्फ 184 grams का है, जो कि काफी ज्यादा हल्का है, लाइट वेट है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जो पीछे का पैटर्न मिलता है, अगर आप केस या कवर चढ़ाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई प्लास्टिक बैक है, ग्लास बैक है, जो भी है। ऑफकोर्स वो कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा Redmi का देखने में बेटर है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं फंक्शनैलिटीज की बात करूं तो आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है Motorola में, एंड 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा Redmi Note 10 में। अब दोस्तों यहां पे ना ऊपर मैं आपके लिए पोल छोड़ना चाह रहा हूं, बिकॉज हमें जब भी ब्रांड्स बात करते हैं और अभी जो रिसेंट हमारे जो ब्रांड के साथ इंटरेक्शन हुए थे, तो अब जिस तरीके से मोबाइल डेटा के रेट्स बढ़ रहे हैं अक्रॉस द कैटेगरी, मतलब आप चाहे कोई भी ऑपरेटर ले लो वहाँ पे मोबाइल डेटा के रेट्स अब बढ़ रहे हैं। और ऐसा आजकल होता नहीं है शायद कि अब एक नंबर आप डेटा के लिए रखते हैं और एक नंबर आप फोन के लिए रखते हैं। तो अगर आप वापस से एक सिम कार्ड पे आ चुके हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि अब दो सिम कार्ड आप नहीं यूज कर पाते, तो प्लीज आप ऊपर दिए गए पोल में अपना आंसर जरूर दें, बिकॉज इससे क्या है कि हमें रिव्यू करने में बेटर लगता है। तो यहाँ पे मैं अभी कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा। आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट Motorola में मिल जाएगा, 2+1 का आपको मिल जाएगा Redmi Note 10 में। बट Redmi Note 10 में दोस्तों आपको थोड़ी सी और एडेड एडवांटेजेस मिलती हैं। एक तो आपको IP रेटिंग मिल जाएगी IP53, एंड उसी के साथ साथ आपको एक IR ब्लास्टर मिलता है जो अक्रॉस द उनके जो डिवाइसेज हैं वो आपको मिल जाता है, वहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं देखी गई है। सो ओवरऑल आई वुड प्रेफर कि भाई Redmi, अगर आपको लुक्स वगैरह चाहिए, अगर आपको फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको मिल रहा है। बट एक जो एडेड बटन है गूगल असिस्टेंट का, वो आपको Motorola में मिल जाएगा। Motorola में दोस्तों जो जेस्चर्स हैं वो ऑफकोर्स डिजाइन का सेगमेंट नहीं है, बट वो OS का सेगमेंट है। वो जो जेस्चर्स हैं, इट इज वेरी टू यूज ऑन दिस फोन, और लाइट वेट के कारण जैसे शेक टू यूज द कैमरा, दैट इज अ वेरी गुड जेस्चर। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक और बात है कि आपको Redmi में स्टीरियो स्पीकर मिलता है, बट वो एक ट्रू स्टीरियो स्पीकर नहीं है। वहीं दोस्तों आपको Motorola में सिंगल फायरिंग स्पीकर मिलता है। दोनों ही फोन्स की लाउडनेस काफी सही है, एंड वहां पे हमें ज्यादा ऐसा लगा नहीं कि कोई डिफरेंसेस है। जी हाँ, सिंगल स्पीकर जो Motorola का है उसमें आपको Dolby का आउटपुट टाइप से मिल जाएगा, एंड लाउडनेस काफी अच्छी दोनों की। एंड बिकॉज Redmi इज नॉट अ ट्रू स्टीरियो, हाँ थोड़ा 19-20 का फर्क है, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म यूसेज में कुछ पता चले। नेक्स्ट अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें, तो दोनों ही फोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंचेस के आसपास का, एंड यहाँ पे Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको Redmi Note 10 में। दूसरा अगर दोस्तों Motorola में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, विच इज इक्विवेलेंट टू GG3 दे से, बट उन्होंने द मेकर ऑफ द ग्लास जो है उनका नाम अभी तक नहीं बताया, एंड दे से दैट इट इज इक्विवेलेंट टू Gorilla Glass 3, बट Xiaomi बोलता है कि उनका Gorilla Glass 3 है। और दोस्तों डिस्प्ले तो दोनों का ही अच्छा है, लेकिन Xiaomi में आप डिस्प्ले को कैलिब्रेट कर सकते हैं अपनी हिसाब से सॉफ्टवेयर के जरिए, तो वो एक बहुत ही बढ़िया बात लगी मेरे को। ऑफकोर्स Motorola में थोड़े से ऑप्शंस हैं, बट दोस ऑप्शंस आर नॉट एज गुड एज जो आपको Redmi प्रोवाइड करता है, लेकिन इट इज मतलब बोलते हैं ना नेसेसरी इवन। मतलब इसके साथ साथ आपको MIUI मिलता है, जिसमें आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर भी मिलते हैं। आजकल ब्लोटवेयर इतने ज्यादा नहीं है, Xiaomi ने भी बहुत कम ब्लोटवेयर कर दिया है, एंड MIUI 12.5 के बाद आप वहाँ पे बहुत सारे ऐप्स अनइंस्टॉल भी कर सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। Nevertheless, मुझे स्टॉक एंड्रॉइड फिर भी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वहाँ पे आपको एक तो कहना बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, जो मुझे चाहिए मैं उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता हूँ, पीरियड।
वैसे डिस्प्ले की बात कर रहे थे तो दोस्तों वाइड बैंड L1 का सपोर्ट आपको दोनों डिवाइसेस में मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह आप आराम से देख सकते हो HD में, YouTube में आपको HDR की सेटिंग्स भी यहाँ पे मिल रही हैं। तो डिस्प्ले वाइज आई हैव नो प्रॉब्लम। फिंगरप्रिंट सेंसर आपका एक तो पावर बटन में मिलता है राइट हैंड साइड में, और एक आपको पीछे जो एक मोटरोला का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको मिल जाएगा। ये फिंगरप्रिंट सेंसर किसी को पसंद आता है बिकॉज आप उसमें जेस्चर्स वगैरह यूज कर पाएंगे, वही दोस्तों आप थंबप्रिंट सेंसर भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट दैट आप किससे ज्यादा यूज्ड हो जाते हो। मुझे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज्यादा अच्छा लगता है, बट ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में उसे एक्सपेक्ट करना, सीरियसली मैं अगर उसको एक्सपेक्ट करूंगा तो आप मुझे पागल बोल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, एंड जी हाँ दोस्तों वहां पे ऑफ कोर्स दोनों ही डिवाइसेस में फर्क है। तो Redmi में दोस्तों आपको Snapdragon 678 का प्रोसेसर मिलता है जो कि UFS 2.2 के साथ आता है, वहीं आपको Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है Moto में जो कि आता है EMMU स्टोरेज के साथ, जो हमने इसके रिव्यू में आपको बताया था कि कैसे काम करता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे RAM और चिपसेट इंटीग्रेटेड होते हैं जिससे कि पावर एफिशिएंट होता है ये। बट जहां तक फास्ट का मामला है तो ऐप लॉन्च टाइम एंड ऐप लोडिंग टाइम Redmi का बेटर है Motorola से बिकॉज ऑफ दी फास्टर स्टोरेज, रीड राइट टाइम, सारे के सारे साइकिल्स अगर आप देख रहे हैं रीड एंड राइट साइकिल्स तो वो दोस्तों आपको Redmi में यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। ऐप लॉन्च हो जाए उसके बाद जैसे अगर आप गेम देख रहे हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट एक है दोनों के गेम प्ले, एंड मैं दोनों ही फोन्स को फॉर द गेमर्स रेकमेंड नहीं करूंगा। ऑफकोर्स आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, BGMI आप लो टू मीडियम सेटिंग्स में खेल सकते हो, बट फिर भी दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा देर में खेलेंगे के लिए खेलेंगे तो ये दोनों फोन्स लॉन्ग आवर ऑफ प्लेइंग सेशंस के लिए नहीं होना। ऑफकोर्स आप आधी घंटा एक घंटा खेल सकते हैं, थोड़े बहुत जिटर्स आएंगे बट दैट्स अबाउट इट। ठीक है, इसमें आप 4 घंटा 6 घंटा ऐसे मत सोचना कि आप यहाँ पे गेम्स खेल पाएंगे। रैम मैनेजमेंट दोनों का अच्छा है, मुझे स्टॉक जो Motorola है उसका जो रैम मैनेजमेंट है थोड़ा सा बेटर लगा, इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है जितना कि आपका MIUI में आपको मिल रहा है। वैसे दोस्तों आपको एक जो एडवांटेज मिलता है वो स्टॉक एंड्रॉइड का एडवांटेज है Motorola के साथ, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके लिए मैं इस फोन को रिकमेंड कर रहा हूँ, चाहे वो रिव्यू हो चाहे वो कंपैरिजन हो। तो Motorola के फोन में दोस्तों आपको थिंक शील्ड की जो सिक्योरिटी है वो भी मिलती है जो कि एक बूट लेवल कर्नल सिक्योरिटी, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज बोलूँ तो वहां पे आपको मिल जाएगी। एंड नेवरदलेस स्टॉक एंड्रॉइड में आपको अपडेट्स वगैरह देखें, देखो सीधी सी बात है, एक तरफ है MIUI, Realme UI, फन टच OS जिसमें आपको बहुत सारे ब्लोट फेस मिलते हैं, थोड़े बहुत एड्स मिलते हैं, एंड उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कुछ बहुतों को चाहिए कुछ किसी को नहीं चाहिए। अब MIUI दोस्तों अपना तो डायलर भी अब नहीं लेकर के आ रहे, तो आपको स्टॉक डायलर और स्टॉक मैसेजिंग ऐप से मिलते हैं। अब Motorola से अगर आप कंपेयर करें तो Motorola में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है। ठीक है, स्टॉक एंड्रॉइड इज स्मूथ, आई लाइक दैट, यू माइट नॉट लाइक, आपको शायद MIUI पसंद आ सकता है, तो मेरी लाइकिंग को अपनी लाइकिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यू बी द जज। एंड यहाँ पे दोस्तों इट्स एन ओपन डिबेट एंड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दोनों ही फोन्स में दोस्तों आपको एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कैमरा की बात करते हैं, स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं बोलूंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन रहा है, मैं आपको डायरेक्टली फोटोज के बारे में बात करता हूं। तो फोटोज में देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हियर, कुछ लोग हैं जिनको नेचुरल फोटोज पसंद है राइट, उनको यहाँ पे Motorola के फोटोज अच्छे लगेंगे, जिनको पोस्ट प्रोसेसिंग बाद में चाहिए या बाद में स्नैपसीड में, जैसे अगर आप दोनों फोन्स को देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट में तो आपको जो Xiaomi के फोटोज हैं वो थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा वार्म टोन है, थोड़ा सा वहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा है, वहीं पे अगर आप Motorola के अगर इमेजेस देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ कमी है क्या Instagram पे अपलोड करने से पहले, कोई कमी नहीं है, वहां पे आपको नेचुरल शॉट्स मिलते हैं। डायनेमिक रेंज दोनों ही फोन्स के काफी ज्यादा हद तक हिट एंड मिस होते हैं, लेकिन जब फोटोज अच्छी आती हैं तो डायनेमिक रेंज यहाँ पे अच्छा आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दोनों के कैमरेज अच्छे लगे बट मुझे Motorola का जो कैमरा इंटरफेस है वो अच्छा नहीं लगा। Motorola का कैमरा इंटरफेस थोड़ा सा लैगी है, थोड़ा सा बगी है, और मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ कि दे नीड टू वर्क ऑन दिस कैमरा इंटरफेस, दे नीड टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली। Redmi का दोस्तों जो कैमरा इंटरफेस है काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड इट इज वेरी स्नैपी व्हेन यू कंपेयर इट विद Motorola, बट आफ्टर द फोटोज आर टेकन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको नेचुरल फोटोज पसंद है या फिर थोड़ा सा सैचुरेटेड। नाइट फोटोज भी ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पे इतना डिफरेंस है, ऑफ कोर्स दोस्तों नॉइस दोनों ही कैमरे में है एंड आप इनको 20-25 हज़ार वाले कैमरे से कंपेयर नहीं कर सकते, बट फॉर द प्राइस आई वुड से कि दोनों ही फोन्स अच्छा काम कर रहे हैं, यू बी द जज। एंड आपको जो भी फोटोज है दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनली दोस्तों बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 33 वॉट का चार्जर है Redmi में, 20 वॉट का PD चार्जर है आपके Motorola में, चार्जिंग टाइम में इतना फर्क नहीं आएगा अगर आप ऑफकोर्स 1-1.5 घंटे चार्ज करते हैं। जी हाँ, Redmi का चार्ज थोड़ा सा फास्ट होगा 15-20 मिनट, बट ओवरऑल इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बैटरी अच्छी चलनी चाहिए, देखो दोनों ही फोन्स आपके 1-1.5 दिन बैटरी आराम से चला लेंगे एंड फिर आप उनको ओवरनाइट चार्जिंग में लगा सकते हैं, तो बैटरी वाइज यू आर
फाइन विद बोथ द डिवाइसेस था. ऑफ कोर्स मोटोरोला का थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज्यादा है बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन. एंड हमें मुझे ये लगा कि ये जो पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने स्टॉक एंड्रॉइड के साथ किया है, इसमें इन्होंने रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया से किया है, ओवरऑल ऑप्टिमाइज भी किया है, तो उसके कारण एक अच्छा आपको बैंडविड्थ यहाँ पे मिल जाएगा बैटरी की तरफ से. बट अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पे, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए. सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. पहली बात तो देखो, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें किसी भी ब्रांड ने पे नहीं किया है, जो भी है सब कुछ साफ सही है. हाँ, मेरे जो लाइकिंग है शायद आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज फाइन. बट ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हो बिकॉज आप मेरी राय जानना चाहते हो, ठीक है. तो मेरी राय ये है कि अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड प्यारा है, इफ यू केयर अबाउट वॉट यू कंट्रोल ऑन योर फोन, अगर आपको ये देखना है कि मुझे फालतू के ऐप्स नहीं चाहिए, मुझे स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे थोड़ी सी अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, आई डोंट प्ले गेम्स ऑन माई फोन, तो आप जी कैम इंस्टॉल करके मोटोरोला का फोन ले सकते हो. उसमें बैक केस या बैक कवर लगा सकते हो, इट्स अ गुड फोन. हाँ, एक कमी मोटोरोला ने यहाँ पे रह गई है कि जो स्टोरेज टाइप है, जो प्रोसेसर है, वो थोड़ा सा अगर और फास्ट कर देते, 1000 रुपये ज़्यादा ही ले लेते, लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ा सा UFS 2.1 आ जाता ना तो बहुत बढ़िया बात होती. रेडमी की तरफ से दोस्तों मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया तगड़ा फोन लॉन्च हुआ था. यू कैन स्टिल बाय दिस फोन, इट इज लाइक रियली अ गुड डिवाइस, एंड ऑलमोस्ट इसमें कुछ ही कमियां हैं. अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड से कंपेयर करो तो ऑफकोर्स वो आपको नहीं मिल रहा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ वेरी 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 गुड डिवाइस. एंड नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज भाई, रेडमी नोट 11 आने वाला है. ये 8 महीने पुराना डिवाइस है जो आज तक लड़ रहा है. दिस इज स्टिल कंपीटिंग विद न्यूली लॉन्च डिवाइस. अब ये देखना है कि भाई Redmi Note 11 क्या लेकर के आएगा, तो वो भी एक सोचने की बात है कि Redmi Note 11 में कैसा कैमरा होगा, MIUI क्या होगा, चिपसेट्स क्या होंगे. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा. हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय.